मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिंहदहा नाला के नीचे एक अज्ञात युवक की सिरकटी लाश मिली है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी बहुती मार्ग स्थित माडो गाँव के समीप सिंहदहा नाला के नीचे पानी में एक अज्ञात युवक की सिरकटी लाश मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि युवक के सिर के साथ उसके हाथ का पंजा भी कटा हुआ है। साथ ही गुप्तांग में भी चोट पहुंचाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक की हत्या कहीं और कर लाश को यहां लाकर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग लग रहा है। फिलहाल मृतक के शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और मृतक के सिर की तलाश के साथ ही मामले की जांच कर रही है। मृतक का सिर न होने से उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, नई गढ़ी में एक सिर कटी लाश मिली है, सर क्या है सर? हाँ, नई गढ़ी में एक लाश मिली है। वो लाश की अभी पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका सिर भी कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा मौके विजिट कर लिया गया है। पुलिस मौके मौजूद है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि उसकी हत्या करके किसी ने उसको वहाँ फेंका हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश और पतासाजी कर रही है। अभी मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्रों को, पड़ोसी जिलों को मैसेज कर दिया गया है और मृतक की पहचान के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गुप्तांग को भी कुछ लगा? हाँ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है देख के कि उसको गुप्तांग भी आधा क्षतिग्रस्त है। अगर किसी क्षेत्र की कमान ऐसे अधिकारी के हाथों में सौंप दी जाए जहाँ पर अपराधी भूमिगत होने के बजाय खुलेआम अपराधों को अंजाम देने लगे, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रह रहे आम जन के ऊपर क्या गुजरेगी, यह आप जरूर सोचिएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगती हैं, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आम जनमानस में डर का माहौल पैदा हो जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत इन दिनों अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हो चुके हैं कि दिन प्रतिदिन हत्या जैसी संगीन घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना अंतर्गत अभी कुछ दिन से ही लगातार लाशों का मिलना शुरू है। वहीं आज फिर एक सिरकटी लाश नईगढ़ी थाना अंतर्गत पाई गई है, जहां नईगढ़ी थाना अंतर्गत पहाड़ी बहुती मार्ग स्थित माड़ो गांव के समीप सिकदहा नाला के नीचे पानी के नीचे एक सिरकटी लाश मिलने से आसपास हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जो सिरकटी लाश मिली है उसके हाथ के पंजे भी कटे हुए हैं। वहीं इस बात की जानकारी पुलिस को राहगीरों के द्वारा दी गई कि सिकदहा नाला के नीचे पानी के नीचे एक सिरकटी लाश पड़ी हुई है। और जब राहगीरों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई, तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद सबको अपने कब्जे में ले लिया गया है और सिर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सिर ढूंढने के बाद ही आगे पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार यह सब किसका है। वहीं यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह से सिरकटी लाश सिकदहा नाला के नीचे पाई गई है, उसका सर कटा हुआ है, हाथ के पंजे भी कटे हुए हैं, गुप्तांग में भी चोट लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हत्या कहीं अन्य जगह की गई है और लाश को छुपाने के लिए नाला के नीचे फेंक दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा यह बोला जा रहा है कि सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और जैसे ही सर मिल जाएगा इसके बाद सबकी पहचान कर ली जाएगी और पहचान करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस मामले में जुट भी गई है। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी सोमवार को ही नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया पड़ान गांव में एक कुएं में दो सगी बहनों की लाश मिली थी और अभी उस मामले की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि एक और सिरकटी लाश मिल गई। बताया जा रहा है कि डिहिया पड़ान गांव अंतर्गत जो लाश मिली थी डिहिया पड़ान गांव में,
वह दो सगी बहनों की लाश थी और दो बहनें महारानी मंदिर जा रही थीं और वापस जब नहीं लौटी तो परिजन पहले तो इधर उधर ढूंढे, इसके बाद पुलिस को सूचना दिए। और जब पुलिस अनन फनन में जांच कर ही रही थी कि दूसरे दिन कुएं में दो नाबालिग किशोरियों का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस आगे की छानबीन कर रही थी और पुलिस के द्वारा अभी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि आज फिर एक सिरकटी लाश पुलिस को मिल गई, वो भी नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत। और इससे पहले हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरी गांव निवासी एक लड़की का शव मऊगंज थाना अंतर्गत पाया गया था। हालांकि इस मामले की गुत्थी पुलिस के द्वारा सुलझा दी गई और एक मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद कुएं में दो नाबालिग किशोरियों का शव मिलता है और ये भी मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक सरकटी लाश मिल गई। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों के हौसले किस हद तक हावी हैं और अपराधी लगातार हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं यह तो जांच का विषय बनता है कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी क्यों हैं, आखिरकार वहां का प्रशासनिक अमला कर क्या रहा है, अपराधी क्यों खुलेआम हत्या जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं, हत्या जैसी घटना को अंजाम देने से पहले एक पल भी नहीं सोचते हैं कि उनके साथ क्या होगा, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार बुलडोजर चलवाया जा रहा है, बावजूद इसके अपराधियों के हौसले इस हद तक हावी हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में देखना यह दिलचस्प होगा कि जो आज सिकदहा नाला के नीचे सरकटी लाश मिली है, इसकी गुत्थी पुलिस के द्वारा सुलझाई जाती है या फिर यह भी अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी। R9 भारत के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा।